आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ अपनी कंघियाँ और ब्रश साफ़ करने का तरीका। तो उसके लिए हमें चाहिए एक ये पिन, जूड़ा पिन। तो सबसे पहले हम इसमें से ब्रशेस में से निकाल लेंगे बाल, जितने भी बाल होंगे वो निकाल लेंगे। इस तरह से हमने इसमें से जो बाल वगैरह हैं वो निकाल लेने, ऐसे 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 करना है ना, तो ये बीच में से निकल जाएंगे। ये देखें कितनी आसानी से निकल रहे हैं। ये ऐसे जितना भी ये है ये सारा निकाल लेंगे ऐसे। से दोनों में से निकाल लेना बाल भी और इसके बाद ये बूरा भी। ज़रूरी नहीं है कि ये जुड़े वाली पिन ही हो, कोई भी टूथपिक हो जाए या टेल कॉम्ब जो होती है उसका जो पिछले वाला हिस्सा होता है उससे भी हम लोग इस तरह करके निकाल सकते हैं। और इसके बाद अब हमने करना ये है कि के बाद ये देखें मैंने पानी गर्म कर लिया इतना कि इसमें उंगली डिप हो रही है, ठीक है। और फिर इसको मैं डाल दूँगी पानी को इस बॉक्स में। बॉक्स में पानी मैंने डाल दिया है और अब मैं इसमें डालूँगी कुछ ड्रॉप्स लेमन मिक्स के और थोड़ा सा इसमें डालूँगी मैं शैम्पू। ठीक हो गया, दोनों चीज़ें मैंने डाल दी हैं और अब इसके अंदर हम इसको डिप कर देंगे। ब्रश से ही मैं इसको मिक्स कर रही हूँ और 15 मिनट्स के लिए इसको हम कर देंगे इसमें सोक, भिगो देंगे। ये कंघी जो है वो हस्बैंड की है, वो काला कोला इसी कंघी से जो है वो लगाते हैं। हाँ जी बस यही है। ये ब्रश जो है ना ये मेरा जहेज का ब्रश है, जहेज का बरीक है, मतलब इकट्ठी शॉपिंग की थी तो ये मतलब मेरी शादी का ब्रश है। 5वां साल है मेरी शादी को, मैं अभी तक यही वाला यूज़ कर रही हूँ। ये मेरा बड़ा कीमती ब्रश है तो इसको हम सोक कर देंगे 15 मिनट्स के लिए। उल्टा करके रख देते हैं ताकि सही से साफ हो जाए। ये देखें इस पर मैं गंदा हुआ है लेकिन ये इंशाल्लाह, ये देखें ज़रा सही मैंने किया तो ये अभी सही साफ़ होने लग गया। तो खैर इसको हम सोक करके रखेंगे तो फिर जब साफ़ करेंगे तो ये बहुत ही प्यारे साफ़ होंगे। ये देखें हाफ स्पून जो है मैं इसके अंदर सोडा भी ऐड करने लगी हूँ। ये इस तरह से ये मैंने दोबारा से थोड़ा सा और शैम्पू डाला और इसको ऐसे ऐसे रगड़ना है सारे को। ये बीच बीच में सही है, टूथब्रश है पुराना उसे इस तरह से करना है। लंबाई में कर लें ऐसे और फिर ऐसे चौड़ाई में कर लें। ये मैं साफ़ कर चुकी थी, मतलब अभी साफ़ किया वीडियो में ही, तो वो क्लिप लेना भूल गई मैं, तो अभी मैं वीडियो के लिए दोबारा से इसको साफ़ कर रही हूँ। काफ़ी हद तक मतलब अच्छा भला ये साफ़ हो गया था लेकिन मैं वीडियो के लिए, मैं आप उनको दिखाने के लिए इसको दोबारा से कर रही हूँ। अच्छी बात है, और ज़्यादा निखर जाएगा इस तरह से। और फिर आप इसको वॉश कर लेना। ये देखें हमारे गंदे बंदे ब्रश कितने साफ़ सुथरे हो गए हैं। ये देखें ये अंदर से चिट्टा सफ़ेद हो गया, कितना प्यारा लग रहा है। और ये भी देखें, ये देखें क्या इसका हशर था और कितना ये साफ़ सुथरा हो गया। ये साथ में 3
कंघियाँ भी मैंने साफ़ की हैं। ये तो हालांकि कंघी थी कलर वाली, हस्बैंड की सर पे जो कलर लगाते हैं ना, हेयर कलर, वो वाली थी। ये भी कितनी अच्छी साफ़ हो गई है, और ये भी चम चम कर रही है। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा मेरा चैनल, और लाइक भी दिल करे तो कर दीजिएगा। तो इसी के साथ आज की वीडियो का करती हूँ एंड। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखें और खुश रहें, आबाद रहें।